हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम पहुंच गए हैं मेट्रो थकाली देहरादून में। काफ़ी टाइम से हमारा प्रोग्राम बन तो रहा था जाने का, तो आज फाइनली बन चुका है। और मेरे साथ देखो कौन कौन है आज। मैडम पीछे देखो, हाय बोलो सभी। दीदी हाय बोलो बेटा, यहाँ दीदी राइट साइड। तो सामने तारुदी, दिया और दिव्यांका। तो चलते हैं हम लोग अंदर, आप देख सकते हो मेरे पीछे। चलो चलो चलो। तो सबसे पहले आप लोग देखिए एंट्रेंस कितना अच्छा है यहाँ पे। मिठो देहरादून थकाली हिमालयन किचन, तो ये सब नेपालियों का ही है। तो वाओ कितना अच्छा एंट्रेंस है। देखो दिव्यांका यहाँ बेटा, ये पीतल है ना, पीतल के मटके। और यहाँ का व्यू देखो आप, मौसम भी इतना मस्त है। कोई नहीं, अपन जाते उधर को। ये जैसे हमारे पहाड़ों में नहीं होते, देखो ये इस टाइप के लॉक दरवाजों में। दिव्यांका लॉक पर गॉगल पहनो इसको। तो पहुंच गए हम लोग मेट्रो थकाली। आज हमारे यहाँ पे लंच का प्रोग्राम है। क्यों दिया, बच्चे के पेपर भी होने लगे तो लास्ट में बचे। क्यों दिया, तो अभी थोड़ा सा घूमा जाए। ठीक है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा था। और हमारी मैडम का हो गया फोटो शूट। वाओ, तो चलते हैं अंदर। इधर दूर है ना कहा था ना मम्मा ने आपको। अरे वाओ, और सामने है रिसेप्शन। तो चलते हैं अंदर। इस पानी का कुछ एक वो होगा ना, मतलब इस तरह की बनाया होगा फ्रंट में ऐसे। चलो बेटा स्टार्ट करो। दिव्यांका वो सारे बैठते एक साइड। आओ दिव्यांका, इधर आओ। सिर्फ बैक यहाँ पे बैठेंगे ना आराम से। नाइस यार। चलो बैठो बैठो बैठो, कितना रिलैक्स नहीं है। तारे तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, दोनों मैचिंग मैचिंग। हमारे दीदी अब करते हैं लंच। कितना रिलैक्स है हमें, मतलब हम लोग बर्थडे वर्थडे कर सकते हैं ना, रिलैक्स। बिल्कुल, मतलब ना एक जो अपना कल्चर उन लोगों ने अपनाया ना, बहुत बढ़िया। क्या करना है? तो आज हम खाएंगे और जो स्पेशल होगा मेडो थकाली का, तो आज हम वो ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बज गए, तो बच्चों के, तो हम बच्चों के हिसाब से मंगाएंगे। फिलहाल हम अपना देखते हैं। और ये है मेट्रो थकाली रेस्टोरेंट का मैनेजर। तो अभी ऑर्डर करते हैं कुछ स्पेशल। और हम दोनों यहाँ बन गया है वो क्या, कश्मीरी घर बन गया है यार। कश्मीरी सोचो, हिमाचली सोचो, कुछ भी आप सोच सकते हो। तो फिलहाल अभी तैयारी करते खाने की। चलो पेट पूजा। बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। और दीदी को, दीदी को पूछो। और दोनों देखो मैचिंग मैचिंग ना? अच्छा। आपको स्पेशल अच्छा, रोटी एक बार राइस कर लो, एक बार रोटी कर लो।
जो आपका ना वेज थाली है उसमें तो आप कर देना राइस वाला, और जो ये है ये ना आपका नॉन वेज थाली चिकन में कर वो कर देना आप वाला रोटी वाला, और एक ये लाना मोमो, और वो हो गया जो आप बता रहे वेज हो गया, और ड्रिंक है और थाली कर लिए वेज और नॉनवेज, तो देखते हैं निकल थाली की थाली कैसी है। आप हमने पहाड़ी खाया, पंजाबी खाया, नेपाली खाया, तो आप बने रहिए वीडियो में, आप लोग एक बार जरूर आइएगा करने की, अभी खाना खाने के बाद बताएंगे आना नहीं आना है, खाने के बाद बताएंगे हम आप वीडियो में बने रहे और हमारी सारी वीडियो को देखते रहे, एंजॉय करते रहे और खाने का लुत्फ उठाते रहे। यस कितने मजा आए दिल के, तो आगे हमारा झोल वेज मोमो दियो स्टार्ट। झोल मोमो ये पीतल के तांबे के उसके सोने के कांसे के कांसे की थाली में क्यों कांसे की थाली में चांदी का सिक्का दीपाली को आके हमने पहाड़ी गाने का वो कर दिया बड़े नचार। तो तारू जी सर्व करेगी अब, चारो दी स्टार्ट करो झोल मोमो झोल। वाओ यम्मी, तो हम खाते हैं झोल मोमो। झोली वाला मोमो तो नहीं है, झोली वाला मोमो तब तो झोल मोमो है, झोल मोमो वेज है ना, वेज अच्छा नॉन वेज नहीं मंगाया हमने, खाना तो नॉन वेज है। टेस्ट बताना था आप लोगों ने, क्या झोल मोमो खाए तो ये पहली बार मैं आज झोल मोमो का टेस्ट ले रही हूँ। ये क्या एक्टिंग है, वाह वाह वाला जवाब रियल यार बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। ये हमारा चिकन थाली की रोटी खाई थी, अच्छा मडवे का आटा और ये है चिकन थाली और ये है वेज थाली। इनके जो ड्रेसअप देखिए आप नेपाली पूरे स्टाइल में, इनकी टोपी भी पूरे कांसे की थाली है, और उसमें देखिए सूप, पनीर, कद्दू की सब्जी, हरी सब्जी, नेपाली सलाद, और ये भुर्जी चटनी, मिक्स वेज सलाद, चावल। तो आप खा के बताइए मैडम, और पापड़ और बताइए खा के समझ नहीं आ रहा। खीर, अभी खीर किसकी उसको पूछ लेंगे बाद में, फिलहाल खीर खाओ शुरू करो। ये आप देख सकते हो उनकी कुछ पुरानी चीजें, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने देखो खुद ही अपने हाथों से लिपा है, पेंटिंग का तो कहीं यूज ही नहीं है, मिट्टी से लिपा गया है, और मैडम को चल रहा है फोटोशूट। खाना को लग गया धन्यवाद आ गया ना, तो बहुत टेस्टी है और दिया दे रही है फीडबैक, हम तुमने बिल तैयार कर लिया, ये देखो खाने के बाद ऐसे होता है यार में तो हो रहा है, और दीदी क्या मजा आ रहे भैया के साथ। बैकग्राउंड में जो म्यूजिक इतना रिलैक्स दे रहा है उस म्यूजिक को सुनते ही।